2019 से ठंडी बस्ती में पड़ा सीए यानी नागरिकता संशोधन कानून को सरकार ने 11 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर इसे लागू कर दिया है, जिसके बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए प्रताड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए भारत की नागरिकता पाना आसान हो गया है। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद दिल्ली के मजनू का टीला के पास रह रहे इन लोगों में खुशी की लहर है। उन्होंने इस कानून के लागू होने के बाद आपस में मिठाइयां बांटकर और रंग लगाकर खुशी व्यक्त की। पाकिस्तान से आए एक व्यक्ति ने बताया कि हमें पाकिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। हम इसी के बच्चों के भविष्य के लिए आए थे पाकिस्तान, वो भी हमारी जन्मभूमि, ऐसे नहीं कि वो हमें किसी से कोई लेना देना। अब भारत माता के हो गए हैं, यहाँ के नागरिक हो गए हैं, यहाँ रहेंगे, खुशियां मनाएंगे, अच्छे से रहेंगे, बुढ़िया पढ़ लिख के अच्छी बन जाएगी। मोदी को हमारा परिवार से हमारे नमस्कार, मोदी जी को धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। वो तो हमने 2013 से लेकर बहुत मीडिया में बोला है, वो तो सबको पता है, जहाँ जो भी साधु संत रह रहे हैं, जो हिंदू सनातन धर्म रह रहा है, सबको पता है, भारत सरकार को ही पता है, क्योंकि वो उन्होंने धर्म के आधार पे मुल्क बांटा गया था। हमको तो मरने के लिए छोड़ा था बस वहाँ पे, और कुछ के लिए नहीं छोड़ा था। हम जो भी दुख झेल कर यहाँ आ गए, लावे रिश्ते, हमारा मुल्क कोई नहीं था, ना यहाँ मुल्क था, ना कोई मुल्क नहीं था। अभी जो भारत सरकार ने नागरिकता ला कर दी है, तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, हम बयान नहीं कर सकते। जो भी केंद्र सरकार ने, जो भी संतों ने, जो भी यहाँ के सनातन ने मुद्दा उठाया है, राम मंदिर का ले लो, सनातन का ले लो, कोई भी मुद्दा, नागरिकता का ले लो, हम तो कहते हैं ये अवतार है। तब जब जब धर्म की हानि होती है तो अवतार आता है, हम तो अवतार मानते हैं। जय श्री राम।